भव्य कलश यात्रा के साथ पंडित राकेश बाबा द्वारा आज से सिसोदिया कॉलोनी में भागवत कथा आरंभ हुई। 29 दिसंबर तक चलेगी कथा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं। जगत में जो कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरोदिया के पास एक युवक की लाश मिली। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। ये लक्ष्मणपुर बरोदिया का पठार है, जहां हम रास्ते में एक 30-35 वर्ष का कार पुरुष पड़ा मिला है। उसके सिर में दाएं ओर चोट का निशान है, काफ़ी मात्रा में ब्लड पड़ा हुआ है घटनास्थल पर, और कुछ दारू के पाउच भी पड़ा है, माचिस पड़ी है, जिससे घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थिति में घटित होना लग रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है बारीकी से कि ये कौन है, कहाँ का है, घटना कैसे किन परिस्थिति में हुई है। ये अभी TSM भी मेरे साथ है, पूरी इसका अभी हम लोग गहराई से जाँच कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर प्रकरण में कार्रवाई करेंगे। अभी अड़ोसी पड़ोसी उन्होंने कुछ बताया? हाँ, उनसे अभी चर्चा चल रही है, उनका डिटेल्स अभी बयान लिए जाएंगे और कौन था, क्या कितने बजे क्या घटना हुआ है, ये जो है अभी पूरी उनसे बात की जा रही है। ठीक है। आज गुना SDM शिवानीगढ़ ने एक बार फिर शास्त्री पार्क मंडी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुराने RTO ऑफिस प्रांगण में आज ऑटो स्टैंड का शुभारंभ विधिवत रूप से यातायात पुलिस प्रभारी दीपक साहू की उपस्थिति में किया गया। साथियों, आज ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, जब मिशन 10 के बहाने से पूरा शहर साफ स्वस्थ और सुंदर हो रहा है। उसी क्रम में CMO साहब ने इस पूरे हिस्से को साफ करके और ऑटो स्टैंड के लिए अवगत किया है। ये ऑटो स्टैंड न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बस स्टैंड के पुराने बस स्टैंड के पास है, वरन सबसे खास बात यह है कि जैस्टन चौराहे पर शिमला के आसपास जो ऑटो खड़े रहते थे वो ऑटो यहाँ से खुल सके। आज इस कॉम्बिनेशन को यहाँ इस तरह से इनवाइट करने के पीछे भी कारण यही था कि जो अभी तक किया उस रावगढ़ क्षेत्र के छात्र छात्राओं को वन भ्रमण कार्यक्रम के तहत गादेर घाटी और गोपी कृष्ण सागर बांध का भ्रमण कराया गया। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति की संदिग्ध हालत में लाश मिली। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मर्डर हुआ है, मधुसूदनगढ़ से आ रहे थे घर शाम के वक्त 6:30 बजे, उस समय ये मर्डर बीच में किसी ने भी कर दिया गया। अच्छा, क्या नाम है उनका? रमेश। आपका नाम क्या? धर्म सिंह। आप कौन हैं उनके भाई? और आपने जो ज्ञापन वगैरह भी दिया है, क्या ज्ञापन दिया अभी इनको SP साहब को? SP साहब को। और मछलीगढ़ के पास कोलारस गाँव है, वहाँ के सज्जन है। ये आपकी घटना है और किस प्रकार से घटना हुई है इसकी अभी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा किस प्रकार से ये घटना हुई है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आगे इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम होना है, इसके बाद स्थिति क्लियर होगी। समाज के लोगों का और उनके परिजनों का ये कहना है कि हमें ये लग रहा है कि हत्या हुई है, तो क्या प्रथम दृष्टि क्या नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टया जो भी जैसा परिजनों को लग रहा है उस हिसाब से उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। सारी सरकमस्टांसेज जितनी भी हैं, सरकमस्टांसेज एविडेंस पूरा कलेक्ट किया जाएगा और उस साक्षी आधार पर जो भी व्यक्ति दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के लिए तो पुलिस सदैव तत्पर है। हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन पहले करना पड़ता है क्योंकि मामला ऐसा है कि इसको पूरा गहराई में जाकर पूरा पता लगाना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल था कि प्राइमा फेसी क्या नजर आ रही है? प्राइमा फेसी पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राम प्रन्नाचार्य जी के मुखारविंद से सनाट ब्राह्मण धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा आज से शुरू हुई। गुना में सामूहिक राष्ट्रगान के क्रम में आज चौधरी मोहल्ला स्थित जैन मंदिर के बाहर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया।
अभिभाषक संघ के तत्वावधान में क्रिकेट मैच का आयोजन संजय स्टेडियम में किया गया। बार एसोसिएशन ने विजेता का खिताब जीता। बताना जी आज मैच खेला जा रहा था। हमारे अभिभाषक संघ बनाक की तरफ से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जो कल से चल रहा था। इसमें हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री कोस्टा साहब मुख्य अतिथि के रूप में हैं और प्रिंसिपल गुनाव एम पी वी के चौहान साहब और अन्य अतिथि लोग उपस्थित हैं और आज जो है प्रेसिडेंट के लेवल फाइनल मैच जीती है। बीनागंज में सरस्वती शिशु मंदिर में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। नशा मुक्ति और बेटी बचाओ अभियान के नारे के साथ ग्वालियर से साइकिल यात्रा आरोनपुर। बमोल थाना अंतर्गत ग्राम भूरचक के कुछ बच्चे रामपुर नहर में नहाने गए थे जिसके बाद 10 वर्षीय बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सबको बरामद किया।